श्री गणेशाय नमः। मेरी मात दशा का नाम लेता जो कोई मन में धार लेता, कर देती बेड़ा पार। मैया जी मेरी कर देती बेड़ा पार। जय माता दी, हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ग्रेट एमएस वॉइस में। आज मैं आपके लिए दशा माता की बड़ी ही पावन कथा लेकर आई हूँ। दशा माता का व्रत होली के बाद आने वाले दशमी के दिन किया जाता है, मतलब कि यह व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और ज्वारे उगाकर उनकी और पीपल की पूजा करती हैं और साथ ही अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए होली दशे का व्रत करती हैं, कथा सुनती हैं। इस दिन एक होली दशे का डोरा पहना जाता है जो कच्चे सूत का बंधा हुआ होता है। उसमें कच्चे सूत के 10 तार लिए जाते हैं और उन 10 तारों में 10 गांठ लगाई जाती हैं और इस तरह से होली दशे का डोरा तैयार किया जाता है। इस व्रत में कई जगह पर महिलाएं अलूना खाना खाती हैं, मतलब कि बिना नमक का खाना खाती हैं, और कई जगह पर नमक के साथ खाना खाती हैं। तो आइए हम इस कथा को सुनते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। तो आइए अपने मन में दशा माता का ध्यान करते हुए, सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए बड़े ही प्रेम भाव से कथा का रसपान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय, दशा माता की जय। बहुत समय पहले की बात है, राजा नल और रानी दमयंती सुख पूर्वक अपने राज्य में रहते थे। उनके 2 बेटे थे और उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी और संपन्न थी, या एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका राजकाज बहुत ही अच्छा चल रहा था। एक बार क्या होता है कि होली दशे का व्रत आता है तो महल की सभी दासियों के गले में पीला डोरा बंधा हुआ होता है, होली दशे का डोरा जो मैंने अभी आपको बताया, वह डोरा पहना हुआ था। रानी उन सबसे पूछती है कि यह तुमने सबने गले में पीला डोरा क्यों पहन रखा है? तो एक दासी बताती है कि आज दशा माता का व्रत है, हमने उनकी पूजा की है तो यह उनका डोरा पहना है। फिर रानी पूछती है कि दशा माता का व्रत क्या होता है? तो दासियां बताती हैं कि सभी सुहागिन महिलाएं अपने घर के सुख समृद्धि के लिए दशा माता का व्रत करती हैं और पूजा करके डोरा पहनती हैं। तो रानी जी सोचती हैं कि मैं भी अपने घर की सुख समृद्धि के लिए दशा माता का व्रत रखूं और डोरा पहनूं। तो दासी उनको मना भी कर देती थी कि रानी सा, आपके तो सब है, आप क्यों यह व्रत कर रही हो, आप क्यों यह पहन रही हो? पर रानी बोली कि मैं भी व्रत करूंगी। तो रानी के लिए दासी एक डोरा मंगवा देती है और रानी जी पूजा करके और वह डोरा पहन लेती हैं। अब शाम को राजा जी देखते हैं तो रानी जी के गले में पीला डोरा बंधा होता है। तो राजा जी पूछते हैं, रानी जी आपके पास इतने गहने हैं, फिर आपने डोरा क्यों पहना? आपको इस डोरे को पहनने की क्या आवश्यकता आ गई? और ऐसा कहते हुए वह रानी के गले से वह डोरा खींचकर चूल्हे में फेंक देते हैं और रानी फटाफट उस डोरे को चूल्हे से निकालती है और उसको पानी में घोलकर पी लेती है। पर दशा माता क्रोधित हो जाती है। तो उस रात जब राजा जी सोते हैं तो राजा को स्वप्न में दशा माता दिखती हैं, लक्ष्मी माता दिखती हैं और वह कहती हैं कि राजा, मैं आज तेरे घर से जा रही हूँ और कुलक्ष्मी अब तेरे घर में आ रही है। फिर उनको कुलक्ष्मी दिखती हैं और कुलक्ष्मी कहती हैं कि राजा, अब तू यह बता कि 2-3 दिन की बरखा चलेगा या 12 बरस का बखवा अर्थात अकाल। तो राजा सोचते हैं कि यदि मैं 2-3 दिन की बरखा झेलता हूँ तो प्रजा को बहुत नुकसान होगा, सारी फसलें चौपट हो जाएंगी, सबके घर वगैरह सब खराब हो जाएंगे, प्रजा बेचारी बहुत परेशान हो जाएगी, तो मेरे कारण प्रजा को क्यों नुकसान हो? तो राजा 12 बरस का बखवा मतलब अकाल झेलने को तैयार हो जाता है। अब अगले दिन जब राजा उठता है तो हाथी घोड़े सब पत्थर के हो जाते हैं और तो और जिस राजमहल में वो रहते हैं, नरवरगढ़ का महल, वहां पर 3 कंगूरे भी झुक जाते हैं। तो राजा जी समझ जाते हैं कि उनका बकवास शुरू हो गया। फिर राजा, रानी और अपने बच्चों के साथ वहां से चले जाते हैं।
अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बंजारों की बस्ती मिलती है। तो राजा रानी सोचते हैं कि अपने साथ बच्चों को हम कहाँ तक लेकर घूमेंगे। 12 साल तक तो इन बच्चों को बंजारों की मुखिया को सौंप देना चाहिए। तो राजा बंजारों के मुखिया से मिलता है और अपने दोनों बेटे उनको सौंप देता है और उससे बोलता है कि जब हमारा 12 साल बाद हमारा बखवा खत्म हो जाएगा तब हम आकर अपने बच्चे आपसे वापस ले लेंगे। आप अभी हमारे बच्चों को अमानत के तौर पर संभाल लो। और बंजारों का मुखिया इसीलिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। तो वह सोचता है कि चलो 12 साल तक मुझे बच्चों का प्यार तो मिलेगा, मुझे बच्चे मुफ्त में मिल रहे हैं, तो वह मुखिया बच्चे रख लेता है। अब राजा रानी आगे चलते हैं तो रास्ते में धूप लगती है तो वह हरी हरी घास पर चलने लगते हैं तो उनके चलने से घास भी सूख जाती है। तो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो प्यास लगती है तो पानी पीने के लिए तालाब दिखता है तो तालाब पर पानी पीने जाते हैं तो जैसे ही पानी पीने लगते हैं तो तालाब भी सूख जाता है। और इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो राजा के दोस्त का गांव आता है। राजा रानी उनके पास जाते हैं और राजा के दोस्त के घर में राजा रानी का खूब आदर सत्कार होता है। वह रात में वहीं सो जाते हैं तो जब वे सोते हैं तो जिस कमरे में राजा रानी को वे सुलाते हैं वहां पर कमरे में दीवारों पर मोर की आकृति बनी हुई थी और उसके ठीक ऊपर खूंटी टंगी हुई थी और उसके ऊपर दोस्त की पत्नी का 9 लखा हार लटक रहा था। तो रानी को रात भर नींद नहीं आती, वे करवट बदलती रहती हैं। तो वह अचानक से देखती हैं कि दीवार पर जो मोरनी की तस्वीर टंगी हुई है वह उस 9 लखे हार को निगल रही है। तो रानी उसी समय राजा को जगाती हैं कि देखो देखो दीवार पर टंगी हुई मोरनी की तस्वीर रानी के 9 लखे हार को निगल रही है। जब तक वे देखते हैं उनके देखते ही देखते मोरनी हार निगल जाती है। दोनों उसी समय दोस्त का घर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वे दोनों सोचते हैं कि उनका दोस्त सोचेगा कि इन्होंने चोरी कर ली है तो वे अपनी इज्जत खराब ना हो इसीलिए रातों रात ही वहां से निकल जाते हैं। और सुबह जब दोस्त की पत्नी देखती है तो बोलती है उसका हार वहां नहीं है और अपने पति से कहती है कि तुम्हारे कैसे दोस्त हैं, मेरा हार चोरी करके भाग गए। तो दोस्त अपनी पत्नी को समझाता है कि मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। अब जब राजा रानी आगे बढ़ते हैं तो उनको भूख लगती है तो राजा रानी से कहता है कि मैं नदी में से कुछ मछलियां पकड़ लेता हूँ तो आप उनको भून देना, हम दोनों मछलियां खा लेंगे। इतने में ही कोई वहां से गुजर रहा था तो वह कहता है कि आज हमारे नगर के सेठ के यहाँ भोज है तो आज सबको खाना खिला रहे हैं, पूरे गांव का खाना है तो आप भी जाकर वहां खा लो। तो राजा रानी से कहता है कि यह मछलियां मैंने पकड़ दी हैं, अब आप इनको भूनो, इतने में गांव जाकर मैं परोसा लेकर आ जाता हूँ। तो राजा गांव में जाता है और परोसा लेकर आ ही रहा होता है कि एक चील झपटा मारकर उनका भोजन ले लेती है। इधर रानी भी जब मछलियां भूनने लगती हैं तो सारी मछलियां जीवित होके फिर से नदी में कूद जाती है। अब रानी सोचती है कि राजा जी सोचेंगे कि सारी मछलियां रानी ने खुद ही खा ली और उधर राजा भी सोचते हैं कि रानी सोचेगी कि राजा जी का सारा खाना मैं अकेले ही खा गया। तो जब राजा वापस आते हैं तो दोनों चुपचाप पानी पी के और आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे चलते हैं तो चलते चलते दोनों हलवाई की दुकान पर पहुंचते हैं तो हलवाई से कहते हैं कि हमें खाने के बदले में नौकर रख लो। हलवाई राजी हो जाता है तो राजा बर्तन मांझ मांझ कर रखते हैं और रानी उन्हें जैसे धो धो के पेड़े पर रखती हैं और पेड़ी बर्तन निगलने लग जाती है। तो रानी जैसे ही यह देखती है तो राजा से कहती है कि हमारे दिन ही खराब है, अब तो पेड़ी भी बर्तन निगल रही है, अब हम यहाँ से भी चलेंगे नहीं तो चोरी का इल्जाम हम पर आ जाएगा। और राजा रानी वहां से भी आगे चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो राजा की बहन के गांव में पहुंच जाते हैं तो वहां पर कुएं में कुछ दासियां पानी भर रही थी तो राजा उनको देखकर उनसे कहता है कि जाकर अपनी रानी से कहो कि उनके भाई आए हैं। तो दासियां जाकर रानी से कहती हैं कि रानी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन रानी पूछती है कि उनकी दशा कैसी है। तो दासियां कहती हैं कि आपके भाई भावज के कपड़े फट रहे हैं, दुशाला और पाग भी फट रहा है,
पैरों में भी उनके तो बहुत बड़े बड़े कांटे चुभे हैं। तो बहन उनको अपने महल में ना बुलाकर वहीं खाना भेज देती है। तो जो दासी होती हैं, वे खाना ले जाकर राजा जी को दे देती हैं। जैसे ही राजा उस खाने को खोल कर देखते हैं तो वह कांदे और रोटी में बदल जाती है। राजा रानी उसे वहीं गाड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो एक तेल की घानी मिलती है, तो वहां पर वह काम करते हैं, तो वहां पर भी घानी तेल पीने लग जाती है। वहां से भी राजा रानी आगे बढ़ते हैं। चलते चलते राजा रानी रानी के पीहर पहुंच जाते हैं। अब वे अपने बखवे के सारे दिन इसी गांव में बिताने की सोच लेते हैं। तो रानी वहां पर राजा के महल में काम करने लग जाती है, और राजा राजा का ही जो अस्तबल होता है घोड़े का, उसमें काम करने लग जाता है। और वह दोनों एक माली के घर में रहते हैं। तो माली रोज वहां के राजा के लिए माला गूंथता था। तो रानी उनकी मदद करने के उद्देश्य से एक माला उनको गूंथ कर देती है, सुंदर सी। रानी बहुत अच्छी माला गूंथती थी, बहुत सफाई से, और बहुत ही सुंदर माला होती थी। तो जब रानी के पिताजी उस माला को देखते हैं और पहनते हैं, तो राजा उस माली की बहुत तारीफ करते हैं। और राजा बोले, पहले तो इतनी अच्छी माला नहीं करता था, अब तू कितनी अच्छी माला गूंथ कर लाता है। और फिर उनको अपनी बेटी की याद आ जाती है कि मेरी दमयंती भी ऐसी ही सुंदर माला गूंथती थी। फिर राजा मन ही मन सोचते हैं कि अब पता नहीं वह कहाँ होगी। इस तरह धीरे धीरे उनका समय बीतते बीतते 12 वर्ष होने को आए। फिर होली दशे का व्रत आया। उस दिन होली दशे के व्रत के दिन जहाँ वह रानी काम करती थी, वहां उनके पिताजी के घर पर सारी दासियां छुट्टी पर चली जाती हैं। तो जब राजमाता नहाती हैं, तो वह शरीर का मैल निकालने के लिए दासियों को आवाज देती है। तो पता चलता है कि सभी दासियां तो छुट्टी पर गई हैं, केवल एक ही दासी आई है। तो राजमाता बोली कि उसी दासी को बुलवा लो, वही मेरी पीठ का मैल निकाल देगी। तो उसको बुलाते हैं और वह रानी जी की पीठ मसलती है और उनका मैल निकालती है। तो रानी जी उससे पूछती हैं कि तूने आज व्रत नहीं रखा क्या, तूने आज छुट्टी क्यों नहीं की। तो वह बोली, कौन सा व्रत। तो राजमाता बोली, आज होली दशे का व्रत है, तुम भी स्नान कर लो और तुम भी व्रत कर लेना, आ मैं तेरी पीठ रगड़ दूं। तो वह मना कर देती है कि नहीं, मैं तो घर जाकर ही नहाऊंगी। लेकिन राजमाता नहीं मानती, तो उसको भी नहाना पड़ता है। तो राजमाता उसकी पीठ का मैल निकालती है। अब जैसे कि वह तो मजदूरी करने लग गई थी, इतना समय हो गया था, तो उसकी पीठ में तो मैल के लेपड़े जम जाते हैं। तो पीठ के मैल जैसे ही निकलता है, उसकी पीठ पर एक पद्म का चिन्ह बना होता है, तो वह दिखने लग जाता है। तो राजमाता जैसे ही वह चिन्ह को देखती है, तो उनकी आंखें भर आती हैं और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें दासी की पीठ पर गिरने लगती हैं। तो दासी उनसे पूछती हैं कि आप क्यों रो रहे हो। तो वह कहती हैं कि तेरे जैसी मेरी भी बेटी थी और उसकी पीठ पर भी ऐसे ही पद्म बना हुआ था, तो तुम्हें देखकर मुझे उसकी याद आ रही है। फिर वह दासी कहती है कि मैं ही आपकी बेटी हूँ। तो उनकी माँ बोली कि फिर तू इतने दिन से कहाँ थी और तूने तो बताया ही नहीं। तब दमयंती बोली, मैं यदि आपको बता देती तो मेरे बखवे के दिन कैसे कटते, इसीलिए मैंने नहीं बताया। तो उनकी माँ बोलती है कि आज होली दशे का व्रत है, तू भी व्रत कर। दोनों माँ बेटी होली दशे का व्रत करती हैं। उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं, दोनों व्रत करती, कथा कहती, पूजा करती, तो दशा माता उनसे खुश हो जाती है। अब राजमाता अपनी पुत्री दमयंती से पूछती है कि जमाई जी कहाँ गए हैं। तो रानी बताती है कि वे भी इसी गांव में घोड़े के अस्तबल में काम करते हैं। तो राजमाता उनको भी बुलवाती है और उनको भी स्नान करवाया जाता है, उनकी दाढ़ी बनवाई जाती है, उनको नए कपड़े पहनवाए जाते हैं और खूब आवभगत की जाती है। अब रात को दोनों ही महल में सोते हैं। तो रात को राजा को सपने में दशा माता फिर से आती हुई नजर आती है और वे राजा से कहती हैं कि राजा अब तू सो मत, सुबह ही यहाँ से निकल और अपने सारे कलंक मिटा और घर जाकर अपना राजपाट संभाल। तो राजा जब सुबह उठता है तो रानी से कहता है कि अब हम तो यहाँ से जाएंगे। तो उनके पिताजी माताजी बोले कि थोड़े दिन तो रुक जाओ। फिर दोनों बोलते हैं कि नहीं, हमको तो जाना है, हमारे सारे कलंक मिटाने हैं।
तो उनके पिताजी ने उनको बहुत सारा धन, हाथी, घोड़े, लाव लश्कर, सामान वगैरह देकर विदा किया। रास्ते में राजा रानी उसी रास्ते से आगे बढ़ते हैं जिस रास्ते से वे आए थे। तो तेल की घानी उल्टे चलाते तो वह तेल उगल देती। आगे बढ़ते हैं तो बहन का ससुराल आता है। राजा बहन के घर फिर से संदेशा भिजवाते हैं कि आपके भैया आए हैं और साथ ही साथ नगर न्योता भी कर देते हैं और पूरे नगर को जिम्मेवार देते हैं। बहन भी संदेश मिलते ही दासियों से पूछती है कि मेरे भाई की दशा कैसी है। तो दासियां बोलती हैं कि खूब लाव लश्कर के साथ, खूब हाथी घोड़े पालके उनके साथ हैं। फिर बहन भी खूब लाव लश्कर के साथ ढोली और गाने वालों को साथ लेकर जाती है और हीरे मोती की थाल भर के ले जाती है और भाई की अगवानी करने के लिए जाती है। बहन भाई की आरती करती है तो भाई भी बहन को चूनर उड़ाता है। तब रानी दमयंती बोल देती है कि पहले हमारी दशा अच्छी नहीं थी तो बहन ने कांदा और रोटी भेजी थी और आज हमारी दशा अच्छी है तो बहन भी हीरे मोती लेकर आई। तो बहन कहती है, नहीं मैंने तो खाना भिजवाया था। तब रानी जमीन खोदकर कांदे रोटी निकालती है तो वह सोने चांदी के हो जाते हैं और रानी वह अपनी ननंद को दे देती है। अब आगे बढ़ते हैं, हलवाई की दुकान पर जाते हैं तो हलवाई को कहते हैं कि हम आपके बर्तन मांजेंगे। तो हलवाई उनको देखकर बोला कि आप राजा होकर मेरे बर्तन मांजोगे? फिर राजा रानी बोले कि हम तो मांजेंगे, हमारा कलंक उतारना है। तो बड़ी मुश्किल से हलवाई उनको बर्तन मांजने देता है। हलवाई के वह बर्तन मांज कर जैसे ही रानी जी धोकर उनको पीढ़ी पर रखती हैं, वह पीढ़ी सारे पुराने बर्तन उगल देती है और इस तरह से सारे बर्तन हलवाई को देकर वे आगे बढ़ जाते हैं। वापस वही जगह आ जाती है जहां रानी ने मछलियों को भुना था और राजा के हाथ से चील झपटा मारकर खाना ले गई थी। तो राजा रानी जी को बताते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि मैंने अकेले खाना खा लिया था पर चील झपटा मारकर खाना ले गई थी। तो राजा रानी जी को सब बताते हैं। फिर रानी भी राजा को बताती है कि आप भी सोच रहे होंगे कि वे सारी मछलियां मैं खा गई थी पर वे मछलियां जब मैं भूनने लगी तो मछलियां जीवित होकर नदी में वापस चली गई थी। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे को बताते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर वही राजा के दोस्त का गांव आता है। दोस्तों ने उनका पहले की तरह ही आदर सत्कार किया। तब राजा ने उनसे रात में सोने के लिए वही कमरा मांगा और दोस्त को बोला कि आप भी हमारे पास वाले ही कमरे में सोना। तो रात के समय जब वह मोरनी हार उगलने लगती है वापस से, तो राजा ने अपने दोस्त को जगाया कि देखो मोरनी ने हार निकल लिया। आपने सोचा होगा कि हमने हार चोरी कर लिया था। हमने हार नहीं चुराया था, हमारे दिन बुरे चल रहे थे तो दीवार पर बनी मोरनी भी हार निकल गई थी। फिर हार अपने दोस्त को देकर अगले दिन सुबह वहां से भी आगे बढ़ जाते हैं। फिर तालाब पर पहुंचते हैं तो पानी जहां उसका सूख गया था वह तालाब का पानी फिर से भर जाता है। सूखी दूब अर्थात घास जो सूख गया था जब उस पर चलते हैं तो वह भी हरी हो जाती है। अब बंजारों की बस्ती में पहुंचते हैं तो बंजारों से वह अपने पुत्र को मांगते हैं तो बंजारों का मुखिया पुत्र देने से मना कर देता है। तो पंचायत बुलाई जाती है तो पंच कहते हैं कि रानी को और बंजारन को दोनों को टाट की कांचली पहनाओ और दोनों लड़कों को उनके सामने खड़ा कर दो। तो जो बच्चों की सगी माँ होती है उसके स्तन से दूध की धार निकलकर लड़कों के मुंह में गिरने लगती है। और इस तरह से पंच ने न्याय कर दिया और दोनों लड़कों को राजा रानी को सौंप दिया। अब आगे बढ़ते हैं तो राजा रानी नरवरगढ़ पहुंचते हैं, अपने राज्य में पहुंचते हैं। तो वहां जो सब चीजें पाषाण की हो गई थी, जानवर वगैरह, वह सब सजीव हो जाते हैं और महल के तीनों कंगूरे जो कि टेढ़े हो गए थे तो आकाशवाणी होती है और वह भी सीधा होने लगते हैं। तो रानी जी प्रार्थना करती हैं, विनती करती हैं कि एक कंगूरा टेढ़ा ही रहने दो ताकि लोगों को सबक मिले और सब लोग होली दशे की पूजा व्रत करें और इसलिए आज भी नरवरगढ़ में एक कंगूरा टेढ़ा ही है। हे दशा माता, जैसे राजा नल और रानी दमयंती को पहले दुख दिया ऐसा किसी को ना देना, जैसा बाद में सुख दिया ऐसा सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना।
तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय जरूर लिखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिएगा। तो माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और सुख समृद्धि दे, यही कामना करती हूँ। जय माता दी।